प्यार की फीलिंग कैसे होती है, प्यार का एहसास कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में प्यार की फीलिंग के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कई किताबों में अक्सर प्यार के बारे में पढ़ा करते हैं या फिल्मों में प्यार के कई किस्से काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाए जाते हैं। प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है। ये व्यक्ति को कब होता है वह स्वयं ही नहीं जाना पाता। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम में आपको प्यार का एहसास कैसा होता है या प्यार की फीलिंग कैसे होती है, आप सभी अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहिए। ख्यालों में डूबा जाना, ख्यालों में डूब जाना, ऐसा अवसर देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी प्यार के में पड़ जाता है तो वह अक्सर उस इंसान के सपने देखने लगता है और उसके ख्यालों में डूब जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को बार बार वही इंसान अपने आमने सामने नज़र आता है जिसके प्यार में वह पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राह चलते हमें एक ऐसे व्यक्ति दिख जाते हैं जिसका हमारे प्यार में से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनके चेहरे में भी हम अपने लवर का चेहरा ही देखते हैं। और जब कोई हमें उस भ्रम से हटाता है तो हम खुद को सिर को ठोक कर कहते हैं कि मुझे क्या हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको साथ भी ऐसा हुआ है तो आप यह कह सकते हैं कि यही प्यार की फीलिंग है। मूवी या सीरियल में अपने प्यार को देखना, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब व्यक्ति प्यार में होता है तो वह अपने प्यार को हर वक्त अपने पास देखता है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति टीवी में कोई मूवी या सीरियल देखता है तो उसे अपना लवर टीवी पर नज़र आ ही जाता है, चाहे वह हीरो हीरोइन के डांस और रोमांस के समय हो या उनके बीच छोटे मोटे नोकझोंक और हंसी मजाक का समय हो। हर पल खुश रहना। जब व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ जाता है तो वह उसके ख्याल में डूबे रहने के कारण हर पल उसे एक अजीब तरह की खुशबू। जब व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ जाता है तो वह उसके ख्याल में डूबे रहने के कारण हर पल उसे एक अजीब तरह की महसूस होती है। कई बार उसके खुशी की वजह यह भी होती है कि वह अपने और अपने लवर के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है तो मुस्कुरा देता है, या कभी अपने फ्यूचर की बात को सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान फूट जाती है। व्यक्ति की यही खुशी साफ व्यक्त करती है कि वह किसी के प्यार में पड़ चुका है और यही कारण है कि वह इतना खुश नजर आता है। बुरा पल भी अच्छा बन जाता है। प्यार व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ जाता है तो वह प्यार उसकी ताकत बनकर उसे हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। हम यह कह सकते हैं कि प्यार के कारण बुरा पल भी टल जाता है और हमें उस दौरान खुश रहने के लिए तैयार करता है। मन बार बार अपने प्यार को देखने का करना। जब व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो वह अपने प्यार को किसी न किसी बहाने से बार बार देखना चाहता है। प्यार में एक पल की भी दुनिया बर्दाश्त नहीं होती। जब व्यक्ति अपने प्यार से मिलता है तो वह सिर्फ उसी को देखना चाहता है। यदि दोनों लोग एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं तो ऐसे में जिन्हें प्यार हुआ है वह बार बार उस जगह जाने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं और अपने लवर्स मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। बात करने का बहाना ढूंढना। प्यार में पागल व्यक्ति अपने प्यार से हर वक्त बात करना चाहता है और उसे और करीब से जानने के लिए उसकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहता है। इसलिए प्यार में पड़ने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका से हर वक्त बात करने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढता है। अपनी अलग दुनिया में खुश रहना। इंसान जब प्यार के
सातवें आसमान पर पहुंचता है तब उसे अपने आगे पीछे अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आता और बस अपनी ही अलग दुनिया में खूब खुश रहता है। प्यार की अलग दुनिया में सिर्फ लवर्स रहते हैं और उसके बने हुए सपने होते हैं। हमेशा साथ निभाना, कहते हैं ना हमेशा साथ निभाओगे। प्यार एक विश्वास की तरह होता है और इसी विश्वास पर हर रिश्ता टिका होता है। जब व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ जाता है तो उसके हर फैसले पर उसका साथ निभाता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो लेकिन कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो। लेकिन जब दो प्रेमी साथ में बैठकर परिस्थितियाँ का हाल निकालते हैं तो उसमें सफल जरूर होते हैं। जलन महसूस होना, जब इंसान किसी के प्यार में पड़ जाता है तो वह उस व्यक्ति को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हंसता मुस्कुराता देखता है तो वह मन ही मन जलन महसूस करने लगता है। अब ऐसे में जलन जायज है क्योंकि प्यार जिससे होता है वह अपने अलावा किसी और को अपने प्रेमी के पास नहीं दे सकता। यही तो होता है प्यार का एहसास जो व्यक्ति को हर पल होता रहता है। रक्षा करना, जब व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो वह अपने साथी का ख्याल रखता है, उसकी हर पल रक्षा करता है। वह हमेशा यह एहसास दिलाता है कि वह अपने प्यार के साथ आजीवन रहेगा। प्यार में इंसान अपने साथी को हर खतरों से बचाता है, वह अपने प्रेमी के साथ हमेशा खड़ा होता है। हमेशा तारीफ करना, प्यार में लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी तारीफ करते रहता है। कई बार यह सचमुच दिल से निकली हुई बातें होती हैं क्योंकि प्यार में अक्सर देखने का नज़रिया काफ़ी बदल जाता है। जैसे मन में डर का पैदा होना, जब व्यक्ति किसी को मन ही मन चाहने लगता है तो वह हमेशा उसके हर पल की खबर रखना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने प्यार की खबर किसी कारणवश नहीं जान पाता। ऐसी परिस्थिति में इंसान बेचैन हो जाता है, उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है कि कहीं उसके प्यार को कोई तकलीफ हो तो नहीं हुई है, कहीं वह किसी से परेशानी में तो नहीं है। इस तरीके का मन में डर पैदा होना प्यार की एक फीलिंग होती है जो व्यक्ति को एहसास दिलाता है कि उसका साथी किसी खतरे में है। हर पसंद का ख्याल रखना, जब व्यक्ति को प्यार होता है तो वह अपने साथी के हर अच्छे एवं पूरे पसंद का ख्याल रखता है, जैसे उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या पहनना पसंद है आदि, खाली समय में उसे क्या कार्य करना अच्छा लगता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी व्यक्ति तभी रखता है जब वो किसी के प्यार में पूरी तरह पड़ जाता है। हमेशा मैसेज भेजना, आज के समय में सोशल मीडिया हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के हर एक पल को व्यक्त करता है। सोशल मीडिया लवर्स युवक एवं युवतियों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। अलग अलग रोमांटिक स्टेटस पोस्ट डालकर और अपने लवर को टैग कर व्यक्ति अपने प्यार को यह एहसास दिलाता है कि वह उसके प्यार में पड़ चुका है। वे बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भी भेजते हैं ताकि हर एक पल की बात दोनों एक दूसरे के जान सकें। जैसे रात भर जागकर कविता लिखना, जब व्यक्ति किसी के प्यार में पागल हो जाता है और वह व्यक्ति यदि कवि का लेखक होता है तो वह रात भर जाकर अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए कविता शायरी लिखता है, क्योंकि ऐसे समय में प्यार की फीलिंग और अधिक बढ़ जाती है। फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका को सुनाता है ताकि वह उसे इम्प्रेस हो जाए। यह सब होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को किसी से प्यार हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में प्यार के बारे में आप जान रहे हैं। यदि आप किसी के प्यार में पड़ चुके हैं तो शायद आपके साथ भी ऐसा भी होता है। अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई बार आपने भी ऐसे काम किए होंगे जैसा हमने यहाँ बताया।